हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप डॉट कॉम। सोशल मीडिया पर अखबार की एक कटिंग जमकर वायरल हो रही है। इस कटिंग में एक बयान है जो पहली नज़र में ही अजीब प्रतीत होता है। कटिंग के मुताबिक भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी शहर दिल्ली से यूपी बिहार वालों को भगा देना चाहते हैं। न सिर्फ आम यूजर्स ने बल्कि सांसदों तक ने इस कटिंग को शेयर किया है। पप्पू यादव उनमें से एक है। पहले बयान की बात, कटिंग की हेडिंग ही है, अब यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से भी भगा देना चाहिए। आगे लिखा है कि रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भगा देने वाला विवादास्पद बयान दिया है। कटिंग में यह भी कहा गया है कि हाल ही में गुजरात में जो उत्तर भारतीयों पर हमले हुए हैं, उनकी वजह से बिधूड़ी का ये बयान आग में घी डाल रहा है। अखबार की कटिंग में बिधूड़ी का बयान कुछ यूं छपा दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों ने ही दिल्ली को नरक बना रखा है। चोरी चकारी से लेकर सारे गलत काम यही लोग करते हैं, माहौल खराब करते हैं। हम लोगों ने इनका ठेका थोड़ी ही ले रखा है। यूपी बिहार को लोगों का एक ही इलाज है, इनसे काम करवाओ और पीट कर यहाँ से भगा दो। जैसा कि आप जानते ही हैं, छपी हुई किसी भी चीज़ पर एतबार करने का हमारे यहाँ भयानक चलन है। सोशल मीडिया के धुरंधर इस खबर को भी ले उड़े। मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव ने तो इसे शेयर करके पीएम मोदी और अमित शाह से जवाब तक मांग लिया, बिधूड़ी पर रासुका लगाने की मांग की, ऐसा न होने पर यूपी बिहार के साथ मिलकर खुद इलाज करने की बात कही। उनके अलावा और भी बहुत से लोगों ने इस बयान को आग की तरह फैलाया, एक ऐसा बयान जो कभी दिया ही नहीं गया। इस फर्जी कटिंग का अब पोस्टमार्टम होने लगा है। कटिंग में अखबार का नाम नहीं दिख रहा है। एनबीटी की फैक्ट चेक टीम ने भी इसे नकली पाया। रमेश बिधूड़ी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर इस बारे में पोस्ट लिखकर इसका खंडन भी किया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, सत्ता की लोलुपता में लोग कितना गिर सकते हैं। अभी मुझे जानकारी मिली कि सोशल मीडिया पर मेरे नाम से यूपी बिहार निवासियों के लिए बयान दिया बताया, जबकि ना किसी अखबार का नाम दिया गया और ना छापने वाले का। दिल्ली देश की राजधानी है, ये सबकी है। हम देश जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। दिल्ली यूपी बिहार के सम्मानित वासियों के साथ साथ 125 करोड़ भारतीयों की है। बीजेपी दिल्ली ने भी ट्वीट करके इसका खंडन किया है। भाजपा दिल्ली के ट्विटर हैंडल पर लिखा है, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर चलाई जा रही इस खबर का दिल्ली भाजपा खंडन करती है। यह खबर पूरी तरह झूठी और निराधार है और एक सोची समझी साजिश के तहत अपनी राजनीति के लिए समाज को बांटने वाले लोगों द्वारा फैलाई जा रही है। इसका भाजपा या उसके किसी नेता से कोई संबंध नहीं है। हमारी पड़ताल में भी ये निकलकर सामने आया कि रमेश बिधूड़ी का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बयान बिल्कुल फर्जी है। आप भी किसी बात पर यकीन करने से पहले आगे पीछे ऊपर नीचे अच्छी तरह जांच लें। किसी खबर की प्रामाणिकता पर शक हो तो हमें भेजें, lallantopmail@gmail.com पर ईमेल करके बताएं, हम उसकी पड़ताल करवाएंगे। फर्जी खबरें न पढ़ें, न यकीन करें, न फैलाएं। इसी तरह की तमाम फर्जी खबरों का पर्दाफाश देखने के लिए आप देखते रहिए lallantop.com। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तो हमारा ऐप भी आ चुका है तो उसे डाउनलोड करना न भूलिएगा।